आईटीआई ग्रुप देवरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमसीबी और फ्यूज किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से शॉर्टिंग होता है तो फ्यूज उड़ता है और किस प्रकार से आपका शॉर्टिंग होता है तो आपका एमसीबी ऑफ होता है। इन सब के बारे में बताएंगे, तो आप इन सब चीज़ों को अगर चाहते हैं देखना तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि उसके बारे में आपको जानकारी हो सके कि एमसीबी लगाना सही है कि फ्यूज लगाना सही है आज की डेट में, या फिर कौन सा अच्छा वर्क करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब में और बताते हैं आपको कैसे वर्क होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने दो डिवाइस रखी गई है, एक आपका एमसीबी है और एक आपका ये फ्यूज़ है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि पहले का ये मेरा फ्यूज़ है, अभी मैंने इसमें ना ही कोई तार जोड़ा है और ना ही कोई तार निकाला है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं इसको खोलता हूँ, इसको किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग गलती कर देते हैं, जिसके नाते क्या होता है कि घर का जो तार होता है वो सारा जल जाता है, लेकिन आपका ये फ्यूज़ कभी नहीं उड़ता है। नहीं उड़ने का कारण क्या होता है, कितना मोटा इसके ऊपर जब आप चालक को बांध देंगे तो क्या आपका फ्यूज उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। मैक्सिमम आपको फ्यूज का मतलब ये होता है ना कि मानकर चलिए ये आपका 2.5 mm वायर हो गया और ये आपका 1.5 mm वायर हो गया, और इसके बाद जो 2.5 mm लगाएंगे तो अगर कहीं से भी इसके अगले सर्किल में अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो ये 2.5 mm क्या हो जाएगा, ये आपका टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। कारण क्या होता है कि इधर भी आपका 2.5 mm हो गया, उधर भी आपका 2.5 mm हो गया, अगर तार पे लोड पड़ेगा तो ये आपका लोड नहीं सह पाएगा, जिससे क्या होगा, ये आपका जो 1.5 mm का वायर होता है वो टूट जाता है। इसी को बोलते हैं फ्यूज। तो सेम प्रक्रिया इसके अंदर भी होता है। तो इसके अंदर का सेम प्रक्रिया क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपका किट कैट फ्यूज है, यहाँ से आपने सप्लाई दिया, यहाँ से आपने सप्लाई लिया, या इधर से दिया आपने, इधर से लिया, तो क्या होता है जब इसके अंदर हमने 2.5 mm इधर डाला और 2.5 mm इधर से निकाल लिए, तो इसके जो बीच का डिवाइस होता है इसके अंदर 1 से 2 कॉपर हम लोग लगाते हैं, जिससे क्या होता है जब इसके अगले सर्किल में शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर इस डिवाइस पर क्या होता है, जब इसके अगले सर्किल में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है ना तो यहाँ का जो मेरा फेस सप्लाई है जब इधर को लोड में भेजता है तो यहाँ पर आपका एक सर्किल बनता है जिससे सप्लाई फ्लैक्चुएट करती है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ में, तो इधर का आपका वायर तुरंत यहां से फॉल्ट कर जाएगा, ना कि यहां से करेगा ना यहां से करता है, आपका तुरंत यहां पे फॉल्ट करता है। ठीक है, अभी मैं आपको फॉल्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपका फॉल्ट होता है और एमसीबी के अंदर कैसे फॉल्ट होता है। तो ये गलती आप ना कर दें कि कहीं इसके अंदर इतना मोटा अगर वायर बांध देंगे तो आपका फ्यूज कभी नहीं उड़ने वाला है, जबकि आपके घर का जो डिवाइस होता है, चाहे वो आपका पंखा हो या फिर घर का और भी आपने वायर जो डाला है, सारा वायर जल जाएगा लेकिन फ्यूज कभी नहीं जलेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे इसके अंदर जोड़ते हैं और कैसे जोड़ करके शॉर्ट सर्किट भी हम करा करके दिखाएंगे और शॉर्ट सर्किट करके भी आपको मैं बताऊंगा कैसे आपका फ्यूज वर्क करता है। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो के लास्ट में आपको बने रहना है ताकि आपको पूर्णतः जानकारी हो सके, और भी लोगों के पास में शेयर वीडियो को करिए ताकि आपके पास नॉलेज पहुंच सके। तो आइए अब आगे हम आपको सप्लाई को जोड़कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो किटकैट फ्यूज़ था, इसके अंदर से जो तार निकाला गया, देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना तार जोड़ा गया है और काफ़ी मोटा करके जोड़ा गया है, जिससे क्या होगा इसको उड़ने में और भी दिक्कत हो जाएगा, नहीं उड़ेगा काफ़ी करके, अंदर का जो वायर होगा आपका वो जल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको जो है कि खोल करके इसको निकालेंगे और इसमें 1 से 2 जम्फर इसके अंदर जोड़ करके और सप्लाई को पुनः देंगे और दे करके फिर आपको दिखाएंगे कैसे शॉर्ट करता है आपका। आइए सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने सिर्फ एक तार को लिया हुआ है, ये आप अपने कॉपर को छोड़ा करके उसमें से एक तार को ले सकते हैं, दो तार को ले सकते हैं, अधिकतम 3-4 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इससे ऊपर लगा देंगे तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस अधिक बनेगा, जिससे आपका जो होगा सप्लाई को रोक सकता है लेकिन टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना होगा, समझ करके फिर आपको सप्लाई देनी होगी। तो आप क्या करेंगे, अब इसके जगह पे आप फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास फ्यूज़ भी है और ये आपका एमसीबी भी है, और एमसीबी को कैसे आप शॉर्ट करके दिखाते हैं ये आपको मैं बताऊँगा। फ्यूज़ के जगह पर आप एमसीबी लगाइए, चूँकि एमसीबी अधिक बेहतर है, अधिक बेहतर इसलिए है, और अपने घर में जो एमसीबी लगाएंगे स्विच वगैरह के स्थान पर अगर कहीं एमसीबी लगा रहे हैं तो स्विच के स्थान पर जो एमसीबी लगा रहा है वो 6 एम्पियर का होना चाहिए, और जो मेन में आप एमसीबी लगा रहे हो 16 एम्पियर का होना चाहिए। 32 एम्पियर का हम लोग उस स्थान में प्रयोग करते हैं या उस घर में प्रयोग करते हैं जहाँ पे आपका एसी वगैरह लगा हो या फिर जो बड़ा हमारा डिवाइस लगा होता है, वहाँ पर हम लोग 32 एम्पियर का मेन में ही प्रयोग करते हैं। बाकी उस डिवाइस के लिए या एसी के लिए और भी कोई उपकरण होता है वहाँ के लिए आप 16 एम्पियर का एमसीबी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये सप्लाई को दे करके जोड़ करके और कैसे शॉर्टिंग करता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सप्लाई जुड़ा हुआ है और यहाँ भी मैंने सप्लाई जोड़ करके आपको रेडी कर दिया है। इसके अंदर ये हमारा मेन में जाएगा और यहाँ से निकल करके मैं दोनों सप्लाई को शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका शॉर्ट करता है। तो करना कुछ नहीं है, जो ये किटकैट फ्यूज है इसके अंदर मैं सप्लाई दूंगा और सप्लाई दे करके इसको शॉर्टिंग करके आपको मैं बताऊँगा इसकी उस शॉर्टिंग करेंगे तो क्या आपका घटना हो सकता है। मेरे पास एक और भी तार है जो न्यूट्रल के सप्लाई के लिए हम लेंगे,
तो देख सकते हैं आपके दोनों तारों को मैंने यहाँ पर रख लिया है, और मैं इसमें चेक करूँगा कि कौन से सप्लाई फेज है और कौन से सप्लाई न्यूट्रल है। यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट आपका नहीं चल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आपका चल रहा है, ये वाली आपकी नहीं चल रही है, यानी मैं इस सप्लाई को चेंज करूँगा, इसमें एम फेज ही दूंगा, क्योंकि फेज में ही अधिकतर करके आपका लोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फेज सप्लाई आ चुका है, जो आपका ये चल करके बता रहा है, और ये आपका न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है, ताकि आपका लोड के हिसाब से आपका वो चलेगा। ठीक है, न्यूट्रल में लगा देंगे तो फिर उड़ने में दिक्कत हो जाएगा, न्यूट्रल आपका नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मैंने दे दिया है सप्लाई, ये आपका न्यूट्रल और ये आपका फेज। अब इसके अंदर क्या करते हैं, किटकैट फ्यूज को इंटर करते हैं। देखिए आपका फ्यूज लग गया, अब इसको शॉर्टिंग करके देखेंगे कि क्या ये फ्यूज उड़ता है कि नहीं उड़ता है। देखिए ठीक है, ये आपका क्या हुआ कि आपका ये फ्यूज इसके अंदर उड़ चुका है, इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रहा, देख सकते हैं इसके अंदर सप्लाई बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, यानी इसके अंदर आपका घटना हुआ है। आप उस उजाले को देख करके महसूस कर सकते हैं कि आपका कैसा लगा होगा। ठीक है, तो आप देखिए अब इसके अंदर मैं खोल करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसके अंदर क्या घटना घटी होगी और कैसे फ्यूज उड़ा होगा। देखिए यहाँ से आपका फ्यूज उड़ चुका है, तो ये आपका फ्यूज उड़ चुका है। इस तरीके से क्या होता है, अगर हम पतला फ्यूज लगाएंगे तो आपका उड़ सकता है, लेकिन अगर मोटा फ्यूज लगा देंगे तो आपका नहीं उड़ेगा। आप देख सकते थे जो अभी मैंने टच किया और जिस प्रकार से घटना हुआ, तो वो अक्सर करके प्रॉब्लम आपके आते हैं। आप उसको अगर नहीं करेंगे, मोटा लगा देंगे तो भी आपको दिक्कत है, पतला लगा देंगे तो भी दिक्कत है, तो आप अपने हिसाब से देखिए उसको दो या तीन के संख्या में लगाइए, ताकि आपका ये सप्लाई को बेहतर दे सके और कहीं घटना होने पर आपका फ्यूज उड़ सके। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज़ भी आपको हम बताते हैं कि MCB के बारे में, कि MCB क्या प्रकार का घटना देता है और किस प्रकार से आपका MCB ट्रिप होता है, और इन दोनों में से क्या बेहतर है आपको लगाने में घर में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको पूर्णतः जानकारी हो सके। तो आइए अब MCB के बारे में और MCB में कनेक्शन देकर देखते हैं। तो अब फ्यूज के जगह पे हम लोगों ने MCB लगाया है, और MCB लगा करके हम देखेंगे, जब ये MCB आपका 25 एम्पियर का है, तो उससे पहले हमने एक फ्यूज भी लगा रखा है। ठीक है, तो अगर MCB नहीं गिरेगा तो मेरा फ्यूज भी टूट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा घर में और भी जो वायरिंग की है वो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए हमने यहाँ भी फ्यूज लगा रखा है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस डिवाइस में अगर MCB गिर जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिरेगा तो मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। इन दोनों में कौन सा सामान आपका बेटर होगा इसके बारे में आपको बताऊँगा, वहाँ भी आपको दिखाऊँगा, और इसके भी बारे में आपको बताऊँगा आगे बोर्ड पर कि कैसे इसका किया जाता है। तो बस करना कुछ नहीं है, वीडियो क्लास तक जरूर बनी रही है ताकि आपके पास पूर्ण जानकारी हो सके। आइए अब इसको हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करके देखते हैं क्या MCB गिरता है कि नहीं गिरता है, और फ्यूज वहां का उड़ता है कि उससे पहले हमारा MCB गिर जाता है। इन सब में आपका MCB सबसे बेटर होता है या आपका फ्यूज सबसे बेटर होता है, इसको देखते हैं। तो आइए शॉर्ट करते हैं। देखिए यानी आप देख सकते हैं कि ये MCB आपका नहीं गिरा। ठीक है, MCB नहीं गिरा, हमने आपसे पहले ही बोला था कि आपका ऑन ही नहीं था, ऑन है नहीं, ऑन नीचे गिरा तो आप, तो आपका क्या होगा कि आप जैसे कि यहाँ पे आपने जो शॉर्टिंग किया है आगे, इसके पहले ही यानी MCB के पहले ही आपका फ्यूज उड़ चुका है। आप खुद देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना आपके गांव में घरों में, वो क्या करते हैं यहाँ पे 32 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं, 32 एम्पियर का ये आपका MCB लगा देते हैं, और 32 एम्पियर 64 एम्पियर अगर MCB लगा देते हैं तो आप बताइए आपका घर में जो कनेक्शन होगा, वो जो तार होगा वो आपका जल जाएगा, MCB नहीं गिरेगा। वही लोग कहते हैं कि सर मेरे घर में MCB नहीं गिरा, पूरा घर का वायरिंग जल गया, या फिर ये फॉल्ट आ गई, या फॉल्ट आ गई, तो प्रॉब्लम आपकी वही होती है। यानी इन सब में सबसे बेटर आपका होता है फ्यूज। फ्यूज आप लगाइए अपने घर में जिसमें जो है कि एक से दो तार आप डालिए, जिससे क्या होगा आपका फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन MCB अगर अधिक एम्पियर का है तो उसके ऊपर अगर लोड नहीं जाएगा तो आपका MCB ट्रिप नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों पे जरूर ध्यान दें, और आप MCB के जगह पे बेटर है आपके लिए फ्यूज। लेकिन क्या होता है कि जब आप में घर में कोई वायरिंग वगैरह करने जाते हैं या फिर कुछ और काम वगैरह करने आप जाते हैं, तो वहाँ पर अगर MCB आप लगाएं तो उसको कट करके आप अपने घर में किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अपने साथ साथ MCB के साथ साथ फ्यूज जरूर लगाइए, ताकि फ्यूज लगाएंगे तो ही आपको अधिक से अधिक आपके घर की सुरक्षा हो सकेगी। थैंक यू, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। इसके लिए बस करना कुछ नहीं है, आप हमारे इस YouTube चैनल ITI ग्रुप देवरिया को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल का आइकन दबा करके रखिए, ताकि आपके पास में पूर्ण जानकारी हो सके। थैंक यू।